ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस एक एपिडेमिक बन चुका है पूरे देश के लिए। पूरे देश में लॉकडाउन हो चुका है, हर जगह हर सामान को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, लोगों को सामान नहीं मिल पा रहा। लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया है। गवर्नमेंट ने जो हमारे वेंडर्स हैं, चाहे वो दूध वाले हैं चाहे सब्जी वाले हैं, उनको गवर्नमेंट पास प्रोवाइड करवाए हैं ताकि वो गली गली में जाके लोगों को सामान प्रोवाइड कर सके। आप जैसे कि मेरे पीछे देख ही सकते हैं, वेजिटेबल्स यहाँ पे सप्लाई की जा रही हैं और उन्हें गवर्नमेंट का पास भी इशू कर दिया गया है। जो ये सब्जियों के रेट आपने क्या रखे हैं? हम जी जो सब्जी है 20 रुपए किलो बेच रहे हैं, कोई भी सब्जी है 20 रुपए किलो। आपको भी कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ रही है सब्जी आप लेने जाते हैं मंडी में? बहुत जी बहुत, नाले रेट तेज देते हैं, नाले उधर भीड़ बहुत होती है, इसलिए परेशानी आती है। सरकारी रेट ते जी, सरकारी रेट ते दूध लई लस्सी, पनीर है लस्सी। ये लोग जी बहुत ही है ना परेशान सिगे 3-4 दिन तो। आज साड़ी गवर्नमेंट ड्यूटी लाई है भी दूध डोर टू डोर देना, असी ये सारा डोर टू डोर दूध दे रहे हैं लोगों के वास्ते। सारे जेडे लोगों को दूध नहीं पहुँचता असी वो भी डोर टू डोर पहुँचाया। अज जी इतना सरकारी रेट है जी, जेड़ा हरा दुध आ SM वो 25 रुपए का 1/2 किलो है जी, ते जेड़े अपना दही लस्सी आ 10 रुपए वाली लस्सी आ, ते 28 रुपए वाली लस्सी आ, ते वेरका जेड़ा दही हैगा 60 रुपए किलो है जी। हाँ जी लोगों को लोड़ तो है क्योंकि समान लोगों को है नहीं घरें, जवान जोगा दुध दही मतलब जी नसैसिटी का जरूरी है वो असी इदा किया कि अपनी गड्डी वेरका को लाइसेंस लैके डोर टू डोर पहुँचा रहे हैं। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ कुछ वेंडर्स, तो अब हम यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेप उठाए जा रहे हैं उनको गवर्नमेंट के पास प्रोवाइड किए गए हैं तो लोगों की जो मुश्किलें हैं काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकेंगी। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब TV।